नए साल की प्रार्थना में बिशप जी बोल रहे थे कि जो कुछ आपको चाहिए उसे कॉपी में लिख लें। इन्होंने सिलाई मशीन चाहिए थी, इन्होंने कॉपी पर सिलाई मशीन लिखा है और उसके चार दिन बाद ही इन्हें नई सिलाई मशीन प्रभु ने दी। और इनके बेटे के पैर से 1.5 साल से गांठ थी, ऑनलाइन प्रार्थना देखने के बाद वो गांठ बिल्कुल ठीक हो गई। हालेलुया, पास्टर जी को जय मसीह की, पूरी कलीसिया को जय मसीह की। कि पास्टर जी एक दिन बोल रहे थे, नए साल का दिन था, शनिवार तो शायद उस दिन, तो पास्टर जी कह रहे थे आपको जो भी कुछ चाहिए परमेश्वर नए साल में देने जा रहा है, तो उस पर पास्टर जी कह रहे थे जो कुछ आपको चाहिए आप एक लिस्ट पर लिख सकते हो। जो हमारी ज़रूरतें थी उनको भी हमने लिखा है और भी बहुत कुछ लिखा है। जो पहली जो आशीष है परमेश्वर ने मुझे सिलाई, पैरों वाली सिलाई मशीन की आशीष दी, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। और पास्टर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हमारे लिए वो प्रार्थनाएं मांगते हैं परमेश्वर से और परमेश्वर हमें दे देता है उनकी वजह से, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी एक गवाही ये है कि मेरे बेटे के पैर में गांठ थी, 1.5 साल से गांठ थी उसके पैर में, तो सब लोग बोलते थे ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऐसे ठीक नहीं होगा, इसको कल को कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपने घर वालों को बोलती थी कि मुझे तो बच्चे का ऑपरेशन कराना है, आगे चल के इसको दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल पत्थर की गोली जैसी गांठ थी उसके पैर में। तो जैसे ही मैं सुन रही थी कि पास्टर जी प्रार्थना कर रहे हैं, मोबाइल पर ऑनलाइन देख रही थी, तो पास्टर जी कहते हैं जिनकी रसोड़ियाँ और रसोड़ियाँ निकले, जिनके पेट में गांठे हैं गांठे निकले। मैंने उस प्रार्थना को मेरे बेटे के लिए सुना तो मेरे बेटे की 3रे दिन वो गांठ निकल गई, उसमें 1 इंच का कांटा निकला और बिल्कुल मेरा बेटा बिल्कुल पैर ठीक हो गया और जितना रेशा था उसका बाहर निकल गया गांठ में से। इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। देखो कौन है चंगा करने वाला, प्रभु यीशु मसीह। किसने चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह ने। इनके बेटे के पैर पे गांठ थी और 1.5 सालों से ऐसा था, वो कह रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन से ये ठीक होगी, लेकिन जैसे ये ऑनलाइन प्रार्थना सुन रहे थे, ये बहन भी अनूपगढ़ से आए हैं। हाँ जी, अनूपगढ़ से आए हैं। और ये कहा जा रहा था ऑपरेशन करवाने की बात चल रही थी। हाँ जी। लेकिन जैसे ऑनलाइन प्रार्थना सुनी, 3रे दिन वो गांठ प्रभु यीशु जी ने खत्म की, प्रभु यीशु जी ने चंगा किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। 20 सालों से इनके हाथों के नाखून पक जाते थे और ये अपने हाथों से काम भी नहीं कर पाते थे, लेकिन जब इन्होंने चर्च से प्रार्थना करवाई, उसके बाद चमत्कार चर्च से प्रार्थना कराई, उसके बाद इनके हाथ के नाखून बिल्कुल ठीक हैं और अब ये घर का काम भी अच्छे से कर लेते हैं। कृष्णा, मेरा जैसी चीज के कोटी कोटी पर नाम। मैं 20-25 साल से बहुत तंग सी, मेरे हाथ बहुत मतलब पक जाते सी नाखून, जब मैं सर्फ सोडे में हाथ पाँदी सी बहुत पक जाते सी। हुण मैनू तकरीबन 2 महीने हो चले आँदी नू, तो मैं धो के नहीं देखे कपड़े, हुण मैं 2-3 दिन लगातार धोते कपड़े तो मेरे हाथ बिल्कुल ठीक है। मैं प्रभु जैसू जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर दी हाँ, पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर दी हाँ। प्रार्थना बहुत वधिया करते हैं, सारे वास्ते वधिया करते हैं। बहुत खादिया, फायदा नहीं होया। हां जी, हुण मैं कैप चाड़ के कदी कदी धोने पैंदे सी जो नहीं आउंदी सी भाई, ते हुण मैं कैप तो बगैर धोते कपड़े 3-4 दिन लगातार। प्रभु जैसी का बहुत बहुत धन्यवाद कर दी हां, पास्टर जी का, परमेश्वर मसीह जी का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।